एक ड्राइवर की दुख भरी जिंदगी पर यहाँ लाइव है। यो आप देखो, सामान के हैं, शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। इस गाड़ी में ये सामान था, सामने ये शराब की बोतल देख रहे हो, इस गाड़ी में सामान था। यो ड्राइवर भाई है, ये ड्राइवर भाई है। और आप जिंदगी देख लो एक ड्राइवर की, वो किस किस के ताने निशानदा, मतलब RTO के, ट्रैफिक पुलिस के, टोल के, छोटी मोटी गाड़ी के लिए कोई उग चुक होते तो मनवा उसे ड्राइवर का थप्पड़ तक मार दें। एक ड्राइवर आवाज चेक कर ली मोहित, एक ड्राइवर अपने बच्चों को पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं हो दर दर की ठोकरे खाना। एक ड्राइवर भाइयों के लिए वीडियो शेयर करियो भाई, और ड्राइवर भाइयों के लिए मैंने पहले भी आवाज उठाई है, आज यह एक दुख भरी कहानी है। इस ड्राइवर भाई के लिए इसने बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, बैठे बैठे भी हाथ जोड़ रहा था यूं भाई, ऊपर वाला की गनीमत रही, नुकारा जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इस बाइक की जिंदगी इस ट्रक के हालात ने देख के, इस एक्सीडेंट ने देख के कोई नहीं कह सकता इसका जो ड्राइवर होगा वो बच गया होगा। ये भगवान की कृपा, में इससे बात भी कराऊंगा भाई था आपकी। ये देखो पर खच्चे उड़ रहे हैं, 152D की लोकेशन है यार, शामी बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, कौन सी वो है पानी, कौन सा कट है, पानीपत जींद का कट है 152D पे। और 10-33 को इन्हें फोन भी कराया होगा भाई, और पूछा कितने तोड़े में आगे थे। देखो इस कंडीशन का हिसाब है, ये जो ट्रेल लाइस की कंडीशन है देख लो, इस तरह हम देखिए मुझे तुरंत दिखाई रहा, जुम्मे पर खच्चे उड़ रहे हैं, देखा जा रहा है अड़ा जा। देखो भाई इस भाई ने, और मैं बात कर रहा था, यू रोन लग गया बेचारा, यू ड्राइवर रोन लग गया बेचारा। नोबला भाई साहब मैं क्या, मतलब देखो ये है हमारी जिंदगी, ये देखो उड़ रहे पर खच्चे भाई है, कैटे किसी और ने बेहोश हो गया था यू। आवाज चेक कर लिया मोहित, इस वीडियो ने ड्राइवर भाइयों के लिए ज्यादा शेयर करो, एक ड्राइवर भाई क्या क्या निशान था। आप देखो ये रोन लग रहा है इस टाइम, इसकी आंखें मासूम इस भाई के, ये रोन लग रहा है रात को 10, ये देखो फिलहाल। लेकिन भाई हिम्मत रख, आपके लिए ये भगवान ने मौका दिया है, नहीं तो इतना खतरनाक एक्सीडेंट है। इस भाई पे पूछा सारी बात, शराब बिखरी पड़ी है, अरे भी बैठे बैठे है नहीं कितने फोन कर रहा था, रोवा था, नुबला मेरा तो भगवान ने, मेरे गल तो जो बनी ये सामान नहीं खराब होना चाहिए, जिस मालिक का सामान है नी इसकी भी चिंता कर रहे बैठे बैठे यूं, नुगयू नहीं खराब होना चाहिए। देखो इस भाई पे, भाई क्या नाम भाई आपका, विक्रम से। विक्रम भाई कहाँ से हो आप? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। अच्छा विक्रम भाई किस टाइम की घटना है ये? 10:30 के करीब की है। इसी रात में, जो ये रात गई है ये इसी रात में। अच्छा क्या वजह रही, क्या एक्सीडेंट क्यों हो गया था भाई ये? एक ट्रेला खड़ा था सा सामने, उसमें ना इंडिकेटर जल रहा ना कुछ भी जल रहा, पीछे से कुछ दिखाई नहीं दिया। रिफ्लेक्टर थे उसमें पीछे? नहीं थे साहब। और इंडिकेटर नहीं था, ऐसे खड़ा करके ऐसा खड़ा कर, कोई मतलब इस तरह की बाउंड्री बना रखी थी? एक रखा था, एक रखा था। देखो भाई देखो उसमें, देखो इस भाई के गले के दिक्कत बनी, मान लो रिफ्लेक्टर हो इंडिकेटर, क्यों भाई इंडिकेटर पे ध्यान पड़ जाए। और ये हालात देखो, एक मिनट उठाइए भाई, देखो ये मैं अनुकूम बहुत फर्क रह गया, ये लिया दिया इसका आ गया इस भाई का, इस इतना खतरनाक एक्सीडेंट में जो कर ट्रेलर के पर खच्चे उठ रहे हैं, और इसका क्या हालात होंगी। यू भगवान की कृपा है, तेरा भाई को ले दिया आ गया क्या, और तेरा शुक्र है तू, या तो कुछ भी चोट को नहीं मेरे भाई, फ्रैक्चर तो नहीं भाई? नहीं नहीं फ्रैक्चर नहीं, बस दो चोट है, एक ये चोट है, एक ये यहाँ, हाँ यहाँ हैंडल ठुक गया होगा नहीं कि, तो स्टेरिंग अंदर अच्छा फंस गया अंदर, ये चोट है बस बाकी और ठीक हो गया। ओके देखो भाई एक ड्राइवर भाई के लिए कितनी सारी मुसीबतें चुनौतियां, ट्रैफिक पुलिस उसने करे तो तंग करे, ट्रैफिक पुलिस RTO उसने तंग करे, टोल वाले उसने तंग करे, छोटी मोटी गाड़ी वाले उसने घायल ऊपर दे दें। तो भाई एक ड्राइवर भाई की जिंदगी बहुत दुख भरी, पीड़ा भरी, संघर्ष भरी हुआ है। और जिसने नहीं जस्ती हो या वीडियो देख लो भाई, एक ड्राइवर है पूरी रात का यारे बेचारा ही बैठा है। आपने जब NHAI की इनको टोल वालों को 10-33 पे डायल करे भाई? हाँ किया था सर। किसी को निकाला किसने आपको? दो पीछे से गाड़ी आ रही थी, उन्होंने रोक के गाड़ी, ड्राइवरों ने रोड बोर्ड लगा के निकाला मुझे। जिस टाइम आप ऐसे, क्योंकि और भी एक्सीडेंट आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में, जिस हिसाब का ये एक्सीडेंट है उसके हिसाब से आपके दिमाग क्या सोच रहा था उस टाइम? कुछ नहीं, बस जो घटना घट गई है बस, वो तो फिर संभलना ही होता है, घटना तो हो गई, फिर हाँ। ड्राइवर ने आके मुझे निकाला, फंसा हुआ था स्टेयरिंग में। आपको ये जो पैर का और इस तरह की वो आ रही थी, ये पैर ना टूट? नहीं, पैर का तो पता ही नहीं चला।
मेरा है ही है। सुन था हाँ कि पैर है या नहीं है मेरा, उस टाइम में तो कुछ पता ही नहीं चला था, हॉस्पिटल में जाके पता चला कि मेरा पैर है। तो फिर यहाँ की जो नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस आई नहीं, नहीं एम्बुलेंस नहीं आई। फोन करा था? हाँ मैंने नहीं फोन किया, लेकिन वो पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुला ली जिंद हॉस्पिटल से। अच्छा पुलिस वाले उन्होंने बुलाई भाइयों ने? हाँ पुलिस भाइयों ने बुलाई। देखो दो भाई थे जो पीछे तो गाड़ी मारने लग रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां रोकी दो जने ने और उन्होंने फोन करा। लेकिन बात बड़ा सवाल एक फिर भी है, NHAI की तरफ से कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, कोई फैसिलिटी क्यों नहीं मिली? हालांकि इनको इस बात का पता कि नहीं पता, वो जो पुलिस की गाड़ी आई थी वह NHAI के थ्रू आई थी या पुलिस को डायरेक्ट फोन करा था, डायल 112 करके बुलाया। लेकिन NHAI की पहली ड्यूटी बनती है, ये नेशनल हाईवे है आप देख रहे हो, 152D है, ये वही 152D है जो इससे कौन सा नारनौल उतरा है शुरू करता हुआ है, अंबाड़ा से शुरू हो गए और नारनौल तक उतरा है। ये आप देख रहे हो, ये शराब की पेटियां बिखरी पड़ी हैं। अरे यू ड्राइवर भाई भी बेचारा क्या मासू है इसके, यू भी उनको है बोले मैंने भाई साहब ये सामान जो खराब होने लग रहा है, ये देखो आप, देखो भाई ये शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं, देखो आप चुकर दड़े देखोगे इस ड्राइवर भाई ने भी सामान की नू चिंता हो रही है। देखो यू इस घटना में बड़ा हादसा भी हो सका था, दिखाइए और अंतम हुई देखिए आड़ते दिखाइए ट्रक का हाल देखिए, इस ट्रैल लगे पर कच्चे उड़ रहे हैं देख लो भाई हालात, ये देखियो ये बचन का काम थे भाई, ये बच गया भाई भगवान की दया, बच गया आग देगी इसका हाल, आग जाएगा आग लगा ट्रैला देगा, जमा पर खच्चे उड़ रहे हैं। और देखो इस भाई का कसूर भी कौन था, हालांकि चलो एक बात हो भी सके है क्योंकि ड्राइवर भाई दिन में अपना रेस्ट ले रात ने टू मौका दें ताकि ट्रैफिक कम होनी तो ज्यादा दूरी को मापा जावे। फिर भी एक सावधानी की बात जरूर बताऊंगा मैं, नशे में ना चलाओ गाड़ी ने, स्पीड में ना चलाओ, रोंग साइड ना चलाओ, नींद में ना चलाओ और भाई सेमी की लाइट लग दियो उसका ध्यान रखो, रोंग साइड का ध्यान रखो, टेलीफोन पर बात ना करो, मोबाइल पर, ये कई चीजें हैं सावधानी की, नशा ना करो। लेकिन फिलहाल यदि ये जो आप दुर्दशा और पीड़ा भरी दुख भरी और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो ना, ये जो खौफनाक मंजर है, ये जो मंजर है इसने देख कर एक ड्राइवर का संघर्ष जरूर दिखना आओगे आपने, ये है एक ड्राइवर भाई की जिंदगी और संघर्ष। में कई बार कह रहा हूं मौत हथेली पे चलने वाले जो ड्राइवर साथी उनकी आवाज मैंने पहले भी उठाई है और ड्राइवर भाइयों तक कहूंगा इस वीडियो में ज्यादा शेयर करियो ताकि कम से कम कई बार क्या होता है ये कांध भीचर खोद भी चाजे हैं, क्यों एक तरफ मनमाने मालिक लताड़ मारे, एक तरफ जिस गाड़ी के लिए घाट बैद होगी जिसके साथ मान लो भीड़गी गाड़ी फिर मनमाने हो करे, तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में ड्राइवर भाई की सहमत आई तो स्थिति है। लेकिन ये मालिक तक पहुंचा दी बात आपने भाई? हाँ, मालिक आ गए यहाँ पे, मालिक ने धमकाया तो ना भाई? नहीं मेरे से कुछ नहीं बोला। चलो मैं तो इसका मालिक तो भी कहूंगा भाई, कम से कम आप इसकी एक तो ये जो इलाज है ये आप कराइयो और दूसरी बात भाई ये गाड़ी घोड़ेंगे तो तारे इंश्योरेंस है, मालिक का तो कहूँ जो गाड़ियां के मालिक है। हाँ इसकी कोई इंटेंशन तो ठीक हो नहीं गलत, ये बाघ का ट्रेला खड़ा कर गया कोई ना तो उसमें डिपर ना रिफ्लेक्टर यू बेचारा अपना, लेकिन गनीमत रही यह बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान की भाई, ऊपर वाला का भगवान का शुक्रिया अदा कर भाई, तेरी ये तो कुछ भी नहीं है तो ये तो खरोच है तेरे लिए, तो ये तो खरोच है भाई, भगवान का शुक्रिया अदा कर बार बार इस बार में तो। हाँ भगवान का तो शुक्रिया है ही है, भगवान की मेहरबानी जो जान बच गई। मालिक यहाँ लिए रस्ते में? नहीं आ लिए यहाँ पे। अभी कहाँ गए हैं? अभी ये इसको गाड़ी को ले जाने के लिए कुछ देखने गए। अच्छा अच्छा, खाना खुना खा लिया तने? अभी ना रात खाया ना अभी खाया। अच्छा ये इसमें क्या है भाई? ये कतरी है, ना तू खा ले भाई, ये खा मैं तो तन्ने को तू खा भाई। चलो ये भाई देखो फिलहाल रात का ही है और फिर हम उस भगवान का बार सवा दस साढ़े दस बजे बार बार फिर उस भगवान का शुक्रिया अदा करा भाई। इस भाई ने इब्बी भी इस बात की चिंता हो रही है अब ये शराब नहीं खराब हो जाए, देखो ये है एक संघर्ष, सामान नहीं खराब हो जाए, सामान की चिंता भी है। फिर दोबारा इस तस्वीर में दिखाऊंगा आप, ये देखो किस्मत का धनी है ये ड्राइवर विक्रम भाई है, तो किस्मत का धनी है इतना खतरनाक, मतलब आगे कोई ट्रेला इस तरह खड़ा होगा मान लो, उस ट्रेला आगे रिफ्लेक्टर नहीं थे और ना डिपर थे तो इस भाई ने नींद आई के होया, मतलब झपका भी लगा है चुप करके, लेकिन फिर भी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी इस ड्राइवर भाई की। ये देखो अब इतना खतरनाक हादसे के बाद भी ड्राइवर भाई सुरक्षित है, परमात्मा का हम भी भाई
शुक्रिया अदा करा एक भाई बच्ची है ड्राइवर भाई नु कह रहे हर जान कीमती है। ये देखो ये जो तस्वीरें ये खौफनाक मंजर आप देख रहे हो एक ड्राइवर का संघर्ष दिखाई देगा आपने इसमें देखो। फिलहाल इन तस्वीरें मैं छोड़ कर जाऊँ हूँ और आप भी बताओ NHAI जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ टोल तो कई बार कह रहा हूँ मैं सर्विस टैक्स इनकम टैक्स गाड़ी पर टैक्स पेट्रोल पर टैक्स डीजल पर टैक्स फिर ये गुंडा टैक्स क्यों। और ये जो जो ड्राइवर भाई है 8:10:33 को कॉल गया तो कोई नहीं आया इस तरह की अभी इनपुट है। हालांकि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा लेकिन नो इनपुट अभी डायल 112 को करके ही बुलाया है फोन करके हैं। ये देख लो भाई तो इन तस्वीरों में आपको छोड़ कर मैं जान लग रहा हूँ और कमेंट करके जरूर बताइयो भाई ड्राइवर भाइयों के लिए क्या क्या ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिस तरह क्योंकि नुकार हर जान कीमती है मार पाछे पुकार कोनी तो ये है वो बर्बादी का मंजर। इबीबी ड्राइवर भाई ने सम्मान की चिंता हो रही है देखो ये एक जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो ड्राइवर भाई हैं उनकी नजरिया है ऐसा ऐसा। चलो फिलहाल आप कर दो शेयर भाई कोई कोई आपने अपील करनी है भाई कोई है भाई चलो ये देखो भाई कर दो शेयर भाई।